So bhakti yoga is a scientific method of balancing the emotion. The word bhakti means devotion, but not bhakti yoga. They are two different things. So bhakti and bhakti yoga, the two different things. As bhakti is devotion, people confuse bhakti yoga to be the yoga of devotion. और हम सब लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते कि भक्ति डिवोशन को कहते हैं, सरेंडर को कहते हैं, तो हम भक्ति योगा को भी योगा ऑफ डिवोशन मान लेते हैं. इट इज नॉट द योगा ऑफ डिवोशन, इट इज द योगा ऑफ इमोशन. तो जो भक्ति योगा है इज द योगा ऑफ इमोशन. जैसे हम शरीर को मैनेज किया, एनर्जी सिस्टम को मैनेज किया, किससे किया? हठ योग से. और राजयोग से क्या मैनेज किया? माइंड को मैनेज किया. ठीक हो गया. और यहाँ पे माइंड से ऊपर जा रहे हैं, इमोशन की तरफ जा रहे हैं. इमोशन क्या होता है? भावना. लस्ट हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, जेलसी हो सकती है. नहीं, दीज आर व्हाट, दीज आर इमोशंस. इसको मैनेज करने के लिए क्या होता है? ये हठ योगा से मैनेज नहीं होगा. आसन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, षटकम से नहीं होगा. ये किससे मैनेज करेंगे? ये भक्ति योगा से मैनेज करेंगे. जो माइंड को मैनेज किया और क्रिएटिव फैकल्टी माइंड है उसको डेवलप किया, और साथ में इमोशन को मैनेज किया भक्ति योगा से. ठीक है. और पांच ये मेजर, पांच मेन ऋषिज के नाम स्वामी जी ने बताए. सातमाराम, हिरण, शांडिल, नारद और पतंजलि राजयोग के लिए. और फिर उन्होंने बोला उसी दौरान 22 उपनिषद आए अलग अलग, जो कि योगा पे उन्होंने काम किया. नहीं, तो जो ये जो 9 स्टेजेस हैं ना, उसमें आते हैं क्या क्या आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जो नवधा भक्ति भी कहते हैं उसको. उसमें है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, अर्चनम और आत्मनिवेदनम. ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति योग के, है ना. उस मिडल एज में बहिरंग और अंतरंग दो अलग अलग योगा इन्हीं में से डिवाइड कर दिया गया था. ठीक है. तो जो हठ योगा, राजयोगा एंड क्रिया योगा, ये 3 योगा जो है इनको क्या बताया गया? बहिरंग योगा. तो इसमें हार्मनी, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, साइट, इन सब पे हम काम करते हैं ये बहिरंग योग से, जिसमें आपके हठ योगा है और राजयोगा है और क्रिया योगा है ना. और फिर हम जो इफल्जेंस कहते हैं, जो खुशबू है, जो सुगंध है आत्मा की, उसका हम अनुभव करते हैं. अंतरंग मीन्स इंटरनल, एंड अंतरंग योगा इज द इंटरनल योगा. तो ये एटीट्यूडनल योगा है अंतरंग योगा, जिससे आप अंदर की पर्सनैलिटी, अंदर का व्यक्तित्व, है ना, आपका सोचना, आपका जो प्रवृत्ति, जो आपका अंदर का संस्कार है, जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जो आपकी मानसिकता है, आप जो लोगों को देखने का नजरिया है आपका, मतलब पूरा अंदर का जो व्यक्तित्व है, उस पे अंतरंग योग का प्रभाव पड़ता है. एंड यू फाइंड योर एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड एम ऑफ लाइफ. कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड भक्ति योगा आर ऑल पार्ट्स ऑफ अंतरंग योगा. कर्म योगा, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा, दे आर पार्ट ऑफ अंतरंग योगा.